दिस इज एक मंधान और आपका पैसा बनना चाहिए डियर पीपल हमारे सामने एक स्टॉक है विच इज ट्रेडिंग अराउंड वन सिक्सटी थ्री बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है दैट इज राउंडिंग बॉटम पैटर्न बहुत ही ज्यादा रिलायबल है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है वन ट्वेंटी का हाई है ट्वेंटी का लो है जो प्रोबेबल टारगेट दे रहा है हमको टू ट्वेंटी रुपीज का ठीक है इस स्टॉक में अगर आप देखो तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रनअप आ चुका है मैंने मल्टीपल पोजिशन ले ली हैं इस स्टॉक में बट मुझे ऐसा लगता है कि 220 का इसका फर्स्ट टारगेट है बट ये वहां पे रुकने वाला नहीं है आई थिंक इसमें एल का भी कुछ होल्डिंग है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आप वेल्सम इंडिया को ट्रैक कर रहे हो ऑल्सो टू के तो टारगेट क्लियरली विजिबल है एज पर द राउंडिंग बॉटम बट स्टॉक काफी अच्छा चल रहा है और अगर हम इसमें डेली चार्ट पे देखें तो 100 ई टच किया 50 एमए टच किया 50 एमए पे एक अच्छा सपोर्ट लेके बार बार अच्छा चल रहा है देखिए मुझे तो ऐसा लगता है 220 की ओर ये अपना कदम बढ़ा चुका है और जो एक अच्छा सपोर्ट है 112 के अराउंड है विच इज द स्ट्रांग सपोर्ट ऑन वीकली चार्ट एज वेल वीकली पे भी आप देख लो तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है मुझे ऐसा लगता है वॉल्यूम के साथ जब भी ब्रेकआउट आते हैं तो उनको सस्टेन कर लेता है स्टॉक और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक भी फॉल सिग्नल वीक सिग्नल सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है वीकली चार्ट पे तो एटलीस्ट ये बेरिश कैंडल बनी है दोनों बट वॉल्यूम सिग्निफिकेंट नहीं है ऑल्सो यू कैन सी दैट दिस इज अ मॉडरेटली बेरिश इट्स नॉट अ कंप्लीटली बेरिश और यहाँ पे बेरिश बनी हुई है तो यहाँ पे वॉल्यूम काफी लो है तो देखते हैं यह स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा मेरी तरफ से स्टॉक में बाय एंड होल्ड है दो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप कौन से स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं ऑल्सो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं